सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोन ब्लास्ट के बारे में। गाइस, रिसेंटली एक वीडियो भी आया है जिसमें गाइस फोन से धुआं निकलते हुए देखा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ में गाइस, जैसे कि आपको पता है, नॉट 2 का भी ब्लास्ट होने का केस सामने आया था, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे गाइस, कैसे फोन्स वगैरह ब्लास्ट होते हैं और हम लोग क्या प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं कि हम लोगों के साथ ना हो। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो रिसेंटली वीडियो आया है निकल के, जिसमें गाइस एक शख्स बैठा है, उसके अचानक से फोन में धुआं निकलने लगता है और गाइस वो फोन फेंक देता है। उसके फेंकने के बाद गाइस वो फोन ब्लास्ट हो जाता है। ये रिसेंटली एक दो दिन पहले की न्यूज है, तो इसमें आपको बता दूं गाइस, आपको पता ही होगा कि जो हम लोग की फोन की बैटरीज होती हैं वो आपको गाइस लिथियम की बनी होती हैं, लिथियम आयन या तो लिथियम पॉलीमर। सो ये जो बैटरीज होती हैं वो काफी ज्यादा हाईली एक्टिव होती हैं, जो मटेरियल उसमें यूज होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल होता है। और साथ में गाइस, जो फोन में स्पेस भी होती है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, जो भी फोन में और मटेरियल यूज होते हैं उसको भी डालना पड़ता है, तो उसके कारण जो बैटरी के लिए स्पेस बचती है वो काफी ज्यादा कम बच जाती है। और साथ में जो एक नॉट 2 का केस आया था, जो ब्लास्ट हुआ था बैंगलोर में, उसका भी आपने पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी। तो जो ये सब फोन ब्लास्ट होते हैं हम लोगों के कारण भी हो सकते हैं, साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है उसके कारण भी हो सकता है। तो कोई भी कंपनी आखिरकार नहीं चाहेगी कि जो उनके फोन्स वगैरह मार्केट में बिक रहे हैं वो ब्लास्ट हों, क्योंकि उनका ही रेपुटेशन का सवाल हो जाता है। जो कुछ फोन्स होते हैं वो शायद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से डिफेक्ट हो सकता है उनमें, इसलिए ब्लास्ट होते हैं। जैसे कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हो फोन्स, उस टाइम पे कुछ उसमें गड़बड़ हो गई हो, तो जब आपने उसको लिया हो तो उस टाइम ब्लास्ट हो गया हो, तो ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन गाइस, जो हम लोगों के कारण जो प्रॉब्लम हो जाती है फोन्स में, जैसे लोग अपने फोन को चार्जिंग में लगा के यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि फोन चार्जिंग पे लगा है, तो गाइस उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फोन का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग उसको यूज कर रहे हैं साथ में वो चार्जिंग पे भी लगा हुआ है। तो गाइस वहां पे भी फोन की बैटरी आपकी काफी ज्यादा खराब हो सकती है। और साथ में हम लोग जब गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है गेम खेलते टाइम, तो आप गेम्स वगैरह खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी बैटरी का सवाल है। साथ हम लोग इस बात करें, इसमें आप जब भी फोन वगैरह चार्जिंग पे लगा रहे हो आप, और आपको लग रहा है कि चार्जिंग पे लगाने के बाद आधा घंटे बाद एक घंटे के बाद ज्यादा आपका फोन हीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो आप ट्राई करिए कि अपने केस को निकालने के बाद फिर उसको लगाएं, क्योंकि कभी होता है कि आपके केस के कारण वो फोन की हीट निकल नहीं पाती है बाहर, तो उसके कारण वो फोन और हीट होने लगता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप उसको चार्जिंग लगाते हो, अगर आपका फोन हीट हो रहा है ज्यादा, आप अपने फोन का केस निकाल के उसको चार्जिंग पे लगा सकते हो। और साथ में गाइस हम लोग बात करें, जो पहले फोन आते थे जो बटन वाले, उसमें आपको पता चल जाता था जब उसकी बैटरी फूलने लगती थी। जैसे बहुत दिनों से आप अगर उसको यूज़ कर रहे हैं फोन को, तो उसकी बैटरी अचानक से फूलने लगती थी, क्योंकि हम लोग उसको चार्जिंग वगैरह में कोई भी चार्जर वगैरह लगा देते थे, तो उसके कारण हम लोग उसको यूज़ करना बंद कर देते थे। लेकिन गाइस आज के डेट में हम लोग को फोन से पता नहीं चल पाता है कि अंदर क्या उसमें प्रॉब्लम आई है, तो उसके कारण हम लोग को उसका आइडिया नहीं मिल पाता है कि फोन हम लोग का डिफेक्ट है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम लोग अपने फोन को फेंकें वगैरह ना। वैसे तो कोई फेंकता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे बैड वगैरह में फेंक देते हैं, तो शायद से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपका अंदर जो भी बैटरी वगैरह में, क्योंकि उसमें लिथियम होता है बैटरी में, तो उसके कारण वो हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है। और साथ में गाइस कोशिश करिए कि जो आपको फोन में एडाप्टर देखने को मिलता है, साथ में जो केबल देखने को मिलती है, वही यूज करें, क्योंकि गाइस कभी कभार क्या होता है कि कोई भी चार्जर को यूज कर लेते हैं अपने फोन में, तो उसके कारण भी आपको फोन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ज्यादातर आप अगर कोई भी लोकल वगैरह प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जैसे कि कोई लोकल केबल वगैरह आप यूज करने लगते हो अपने फोन में, तो उसके कारण भी आपकी बैटरी खराब हो सकती है। सो गाइस अवॉइड करिए जो भी आपको लोकल चार्जर वगैरह आपको केबल वगैरह देखने मिल जाती है, उसमें आपको नहीं पता रहता है कि आपको कैसा उसमें देखने मिल जाती है वायरिंग वगैरह, तो उसके कारण गाइस आपका फोन डिफेक्ट हो सकता है। तो कंपनी की तरफ से चार्जर देखने मिलता है फोन में, वही यूज करें। और साथ में गाइस अगर आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है, तो आप अपने फोन को दिखा सकते हो जाके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। और गाइस जैसे कि आपको पता है, आजकल हम लोग को जो फोन्स का यूज हो गया वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, हम लोग को ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखने होते हैं, साथ में जो गेम्स वगैरह खेलते हैं लोग वो भी पूरा दिन खेलते रहते हैं, उसके कारण भी आपका फोन ज्यादा हीट होता है। कोशिश करिए कि आप 2-3 घंटे को फोन को रख दें साइड में, क्योंकि ज्यादा यूज होने पर भी फोन आपका खराब हो सकता है। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान पे रख के चलेंगे, तो आपके फोन में कुछ नहीं होने वाला है। आखिरकार जो कंपनीज फोन वगैरह बना रही है, सब प्रिकॉशन लेके ही बनाती हैं, आपको फोन देती हैं। और जो फोन फटने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। जो कुछ फोन्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ब्लास्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हम लोगों के गलती के कारण होते हैं। लेकिन ये जो चीजें होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती हैं, एक आधा फोन देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको पता चल पाए इन सब चीजों के बारे में। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। और गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।